नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट बंटा। स्वागत करते हैं आपका दोस्तों। आज के लिए विशेष वीडियोज, आप जब भी इस तरीके का डिवाइस परचेज करते हैं तो परचेज करने से पहले आप लोगों को एक बात की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आप तो ये करें कि परचेज करें तो परचेज करने से पहले कोई कंप्यूटर के जानकार से बात कर लें कि भाई ये मैं ख़रीद रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए अच्छा है। और आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट पे बहुत सस्ता सस्ता डेस्कटॉप मिलता है, 8,000 में, 9,000 में, 10,000 में, 11,000 में, यहाँ तक 20,000 में भी मिलता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है हैंगिंग प्रॉब्लम, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। चिपेस्ट पीसी का बिगेस्ट प्रॉब्लम हैंगिंग प्रॉब्लम, यानी आप लेने के लिए तो सस्ता ले लेंगे लेकिन अपने मन मुताबिक आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप इसको बढ़िया से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेट करता हूँ, यहाँ से लाइट देता हूँ, आप देखते हैं कि इसमें जो है आप सही तरीके से ये चल नहीं पाता है। देखिए यहाँ पे कुछ हैंगिंग कर रहा है। ये भी जो है फ्लिपकार्ट से ही लिया गया है, इंटेक्स का। ये भी दोस्तों हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, 2,000 में तो मैंने उनको दिया था, ये अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाता है, यहाँ पे थोड़ा सा वो देखिए टिक टिक कर रहा है, अब ये अच्छे तरीके से खुल नहीं पाएगा। तो आप लोग से राय यही लेना था, सॉरी आप लोगों को राय देना था कि आप जब भी खरीदे कहीं दुकान पे जाइए और वहाँ से बात कीजिए कि भाई हमको पीसी लेना है, ये वही पीसी है डिजाब इंटेल कोर i5 जो मैंने नवंबर में ली थी। लेकिन मैंने दोस्तों देखा कि ये हमारे लिए कोई ख़ास बेटर है नहीं, क्योंकि ये हमको चलाने में बहुत दिक्कत होता है। अब ये क्या आ गया, चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ तक ये आप जब भी लेते हैं तो आप नॉर्मल इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कंप्यूटर सीखना है, केवल पढ़ाई करना है तो आप इसको ले सकते हैं, नहीं तो कुछ काम करना है जैसे ऑनलाइन कोई भी काम करना है, पैसा निकालना, चाहे कोई पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, तो इस टाइम के लिए, इस काम के लिए आपका पीसी को लमसम दिन भर ऑन रखना होगा, तो उस टाइम में दोस्तों ये सक्सेसफुल नहीं है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे चला सकते हैं, उसके बाद ये पूरा धिक के आग हो जाता है, ये भी आग हो जाता है। यानी सस्ते का यही जो है सबसे बड़ा दिक्कत है। मैं स्पेशली दोस्तों इस पीसी के द्वारा मैं जो है कंप्यूटर क्लास करता हूँ, वो भी HTP कंप्यूटर है, यूट्यूब पे, यहाँ पे मैंने कुछ उनका वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, अभी वहाँ से जाके कुछ कर सकते हैं फ्री में। अगर आपको फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना होगा तो आप जाके यहाँ पे कर सकते हैं, यही है, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, यही है HTP कंप्यूटर। तो आप यहाँ से भी जाके सीख सकते हैं दोस्तों, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये भाई तो फिर खुद फ्री में सिखाते हैं हम, और हम भी जो है सीख रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो आज का वीडियो इतना ही, मैं आप लोग को यही मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा पीसी आप लोग ना खरीदे तो बेटर है। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको हाई पावर का कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको दुकान में जाना चाहिए और वहाँ के दुकानदार से बात करके लेना चाहिए। आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। रिकॉर्ड हो जाएगी।